परम पूज्य शून्योजी महाराज मानवता मंदिर होशियारपुर और ओम सत्यम मानवता मंदिर डकशई के आध्यात्मिक परमाध्यक्ष हैं। आपकी वाणी में वात्सल्य, करुणा और प्रेम की त्रिवेणी है। परम पूज्य परम संत शून्योजी महाराज ने योग, ध्यान, धारणा, समाधि, नाम स्मरण, गुण कीर्तन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि अनेक शास्त्रीय मंतव्यों को मानवता के कल्याण के लिए अपने प्रवचनों में व्यक्त किया है। तो आइए परम संत शून्य जी महाराज की वाणी में व्यक्त आध्यात्मिक सत्य का श्रवण करें। असंग कैसे हो? कई बार प्रश्न करते हो कि महाराज जी, ये ममता नहीं छोड़ती हमें, ममत्व पल जाता है, मोह जाग जाता है, संग हो जाता है। आप कहते हो साक्षी रहो, निरासक्त रहो, आसक्ति ना हो, ये कैसे हो? कर्म में आसक्ति क्यों नहीं है? कैसे नहीं है? वो तो होती है, अपने आप हो जाती है। तुम कोई कर्म कर रहे हो, किसी पर्पज के लिए करते हो, किसी इच्छा को रख करके कर रहे हो, उस इच्छा की पूर्ति चाहते हो और फिर उस कर्म का फल भी चाहते हो, और थोड़ा काम किया है ज्यादा फल चाहते हो, बहुत ज्यादा चाहते हो, तो कैसे फिर असंग रहें? कैसे निसंगो असी, निष्क्रियो असी हो? जो भी तुम कर्म कर रहे हो उसमें पूरी तरह से जाग जाओ। मूर्छित अवस्था में कर्म ना करना, यानी ध्यान कहीं और है, काम कर रहे हो, रोटी खा रहे हो, खाना खा रहे हो, खाने में नहीं है ध्यान, कहीं और है, पता नहीं कौन कौन से पापड़ बेल रहे हो, भीतर ही भीतर ताना बाना चल रहा है, खाने का नहीं पता, कब खाना खत्म कर लिया इसका भी नहीं पता, थोड़ी देर बाद तुम्हें को पूछे तुमने क्या खाया है तो तुम सोच के तुम्हें बताना पड़ता है, तो पता नहीं क्या खाया। तुम्हारा ध्यान नहीं, किसी भी काम में ध्यान नहीं, पूरी जागरूकता के साथ, पूरे ध्यान के साथ कर्म में उतरो। और ध्यान कैसा हो? ब्लिसफुल, आनंद से भरा हुआ, आनंद पूर्वक। बार 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 इस शब्द को दोहराओ कि मैं आनंद पूर्वक पूरा सचेत होकर के जागरूकता के साथ हर कर्म में उतरूंगा। चाहे झगड़ाई किसी से कर रहे हो तो उसमें भी अगर तुम जाग गए हो आनंद पूर्वक तो तुम्हारे से झगड़ा हो ही नहीं सकता। तुम झगड़ने की लाख कोशिश करो तुम झगड़ नहीं पाओगे। तुम किसी को सबक सिखाने के लिए जा रहे हो कि मैं देखता हूं उसको, उसने ऐसा किया, मैं बोलता हूं, जवाब आगे से देना चाहते हो, तुम्हारा जवाब फूल बरसाएगा उसके ऊपर। अगर तुम आनंद पूर्वक जागरूकता के साथ करो उस कर्म को, तुम्हारे 99% जो कर्म हैं वो बेहोशी में होते हैं, वो मूर्छा में होते हैं, इसीलिए तुम बंधन में फंसते हो, दुख में आते हो, उतरते हो। और दूसरी बात है कि तनाव रहित होकर के कर्म करो। जब भी तुम कर्म में जाते हो तो तनाव पूर्ण होते हो, तनाव बढ़ा है, टेंशन है, रिलैक्स होकर के, रिलैक्सेशन इन एक्शन, अपने कर्म में पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओ, टोटल रिलैक्सेशन। और तुम देखोगे कि जो कर्म करने पर तुम्हें 100 नंबर मिले थे उसी कर्म को रिलैक्स होकर के, शिथिल होकर के, शांत होकर के करने के बाद तुम्हें 200 नंबर मिले हैं उसी कर्म को। तो 200% जियो, 100% क्यों जी रहे हो? 100% भीतर का जागरण और 100% कर्म में जागरण, 100% भीतर का आनंद और 100% बाहर। बाहर भी पूरी मुकम्मल है, भीतर भी पूरा मुकम्मल है, तुम 200% जी सकते हो। लेकिन अगर भीतर नहीं है, भीतर अंधकार है, भीतर कुछ नहीं है, उसका रस नहीं है, उससे जुड़े हुए नहीं हो, तो फिर
कर्मों में वह कुशलता नहीं आ सकती। तो ये दो बातें हमेशा याद रखना। और तीसरी बात जो और भी जरूरी है कि जब भी कोई कर्म करो, चाहे वो वाणी से हो या तुम्हारे चित्त से हो, मन से हो, यह तुम्हारी इंद्रियों द्वारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा हो, वो कर्म तुम्हारा, वो कृत्य तुम्हारा धर्म में स्थित हो, धार्मिक हो। कौन सा धर्म? जिस धर्म की परिभाषा मैंने अभी अभी तुम्हें दी है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म या यहूदी धर्म या बुद्ध धर्म नहीं मैं कह रहा। धर्म में स्थित हो करके तुम कर्म को करो। सारा कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पहला ही भगवद गीता का सबक है कि ये जो कुरुक्षेत्र है, ये जो जंग का मैदान है, जहां तुम एक दूसरे का गला काटने जा रहे हो, जहां तुम मार धाड़ करने जा रहे हो, कत्लो गैरत करने जा रहे हो, खून बहाने जा रहे हो, इतनी बड़ी जंग लड़ने जा रहे हो, कोई अच्छा कर्म नहीं है। वो धर्म का काम है, वो धर्म क्षेत्र है, उसको भी धर्म बना लो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्षेत्र क्षेत्र कुरु धर्मम, वो धर्म है। धर्म है जो मैंने अभी कहा कि भीतर से अपने स्वर में जीना, अपनी लय में जीना, अपने प्रकाश को दीप्त करके, प्रज्वलित करके, उसकी रोशनी में, उसके ज्ञान में, उसकी सर्वसमर्थता में, उसकी सर्वज्ञता में काम करना, उसके प्रकाश को लेकर के हाथ आगे बढ़ाना काम करने के लिए। वो प्रकाश तुम्हारे सब कर्म में चला जाएगा, वो प्रकाश सारे कर्म में प्रवाहित होगा, तुम्हारे कर्म के भीतर प्रवेश कर जाएगा वो प्रकाश भीतर का, और इसलिए कर्म भी उज्ज्वल हो जाएगा। ये तीन बातें याद रखना। अगर तीन बातें याद रखोगे तो तुम साक्षी भाव में जी सकते हो, तुम असंग रहोगे, तुम्हारे कर्मों का बंधन नहीं बनेगा। देखो कितना आसान रास्ता है। और अगर फिर भी तुम्हारे कर्मों का पलंदा भारी हो रहा है, तुम ये करने में असमर्थ हो, तो कर्म करने के तुरंत बाद उस अपने इष्ट देव, उस अपने परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया करो। पहले नहीं कर सके तो अब कर दो, करने के बाद कर दो। यत करोषी यत अश्नासी यत जोशी ददासी यत यत तपस्या से ही कौनते तद कुरश मुदर्पणम। जो भी करो, चाहे यजन कर रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, चाहे दान पुण्य कर रहे हो, कोई भी कर्म तुम कर रहे हो, चाहे तपस्या ही कर रहे हो, साधना ही कर रहे हो, ध्यान ही कर रहे हो, तो विद टोटल सरेंडर वो भी उसको चढ़ा दो। जिस दिन तुम उस अवस्था में होगे कि तुम ये नहीं कहोगे कि मैं ध्यान कर रहा हूं, वो अवस्था तुम्हारी सरेंडर की अवस्था है, वो समर्पण की अवस्था है। जिस दिन तक तुम समझते रहते हो मैं ध्यान करता हूं, महाराज जी सुबह उठ करके ध्यान करते हैं, मैं ध्यान करने वाला हूं, जब तक वो मैं बनी हुई है तब तक कर्ता भाव है, जब तक साक्षी भाव नहीं हो सकता, तब तक समर्पण नहीं हो सकता, तब तक तुम जो भी कर रहे हो वो कर्म बंधन बन रहा है, वो तुम्हें जकड़ेगा और उसमें तुम पिसोगे। तो वो जो दो पार्ट हैं चक्की के इस संसार के, वो तुम्हें पीसते रहेंगे, ये संसार की अग्नि जलाती रहेगी, संसार का सागर, भाव सागर तुम्हें डबोता रहेगा, पार जाना असंभव है। और ये संभव इतना जल्दी हो सकता है, इतना आसान, इतना सहज मार्ग है कि तुम्हारा क्या जाता है, तुम सब कुछ उसको चढ़ाते रहो जो कुछ भी कर रहे हो। और अगर पाप भी हो गया है तो उसके चरणों में तुमने चढ़ा दिया है, क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हें मिला ही नहीं कुछ भी, तुम बंधन में बंधे ही नहीं, तो तुम मुक्त रहो, तुम पूर्ण मुक्त अवस्था में रहो, तुम हो उसी अवस्था में जियो, परम मुक्त अवस्था में, बंधन मुक्त अवस्था में, विदेही हो करके, विदेह गति को प्राप्त होके इसी जीवन में,
इसी संसार को भोगते हुए तुम उसमें जियो। ध्यान करने आए हो तो ये सबक बड़े जरूरी हैं, ये साथ ही साथ तुम्हें लेने चाहिए। अभी उस दिन पूछ रहे थे, मैंने बताया ना, सवाल उठते हैं कि महाराज जी ये जो क्रियाएं हैं ये करनी जरूरी हैं। मैंने बताया था ना कि ये जरूरी नहीं है। अगर तुम मल रहित हो, अगर तुम पाप रहित हो, अगर कोई झूठ इस जीवन में और पिछले किसी जीवन में तुमने नहीं बोला, कोई रेखा तुम्हारे जीवन में नहीं खींची है, तुम बिल्कुल साफ शीशे की तरह हो, कोरे कागज हो और शुद्ध बुद्ध हो, तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ध्यान भी करने की जरूरत नहीं, बैठने की भी जरूरत नहीं, तुम पहुंचे ही हुए हो। लेकिन अड़चने हैं संसार में। ये संसार जैसे मैंने कहा वो भरा हुआ है खुराफातों से, मैलों से। तुमने जो ही किसी को देखा और दृष्टि में कोई भाव आ गया, कोई भी भाव आ गया, बुरा या अच्छा, बस वहीं तुम्हारा कर्म बन गया। तुमने जो ही किसी की तरफ नजर उठाई तो ख्याल आया, बस उसी ख्याल से तुम बन गए और वही तुम्हारा कर्म हो गया, तुम बंधन हो गया। तो कर्म तो हर समय हर पल तुम्हारे जुड़ रहे हैं, तुम्हारे साथ बंध रहे हैं, वो गांठें बंध रही हैं। क्रोध आता है तुम दबा लेते हो, वासना जागती है। लोग कहते हैं महाराज जी काम वासना नहीं थमती है, हम 65 साल 70 साल के होने को आए तो वो गांठें हैं, काम वासना जागती है, तुम दबाते हो। तुम उसको, उस ऊर्जा को जो उठी है काम वासना, उसको ऊपर ले जाना नहीं जानते, उसका ऊर्ध्वगमन नहीं जानते और उसको दबा देते हो, सुप्रेस कर देते हो, दमन कर देते हो, वो गांठें पड़ जाती हैं, चक्र बंद हो जाते हैं, सारा शरीर बंद हो जाता है, ग्रंथियां बन जाती हैं। उनको तोड़ना, उनको पिघलाना, उनको खोलना जरूरी है ताकि तुम बिल्कुल खुल जाओ। ऐसे खुल जाओ जैसे बांस की पोंगरी अंदर से साफ और खुली हुई होती है, उसी की बांसुरी बन सकती है, वही बज सकती है, उसी का संगीत निकल सकता है, उसी में से परमात्मा अपना संगीत बजा सकता है, वही कृष्ण के होंठों पे जा सकती है वो बांसुरी। अगर खाली होगी, अगर भरी हुई होगी तो किसी काम की नहीं, कृष्ण फेंक देंगे कि जाओ, किसी काम की नहीं मेरी। अगर चाहती हो कि उसके हाथ में रहो, कि वो तुम्हें पकड़ ले और वो अपना संगीत जो बजाना चाहता है मेरे माध्यम से वो बजाए, तो पोंगरी की तरह हो जाओ, बांस की पोंगरी की तरह हो जाओ, वही समर्पण है, उसी के हाथों में चले जाओ, उसी से सब धन्यता है। तो अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो शांत भी बैठ सकते हो, जैसे शांत ध्यान करवाते हैं। हर क्रिया के पीछे एक ऐसा ध्यान हम देते हैं जिसमें तुम पूरी तरह से शांत बैठते हो। ध्यान की सभी क्रियाओं में पहले कृत्य है, पहले डायनेमिज्म है, पहले वो क्रियाशीलता है और उसके बाद पूरी तरह से शांत हो जाना है, मौन हो जाना है, उसके बाद क्रियाहीनता है। पहले क्रियाशीलता है, फिर क्रियाहीनता है। क्रियाशीलता इसलिए है कि तुम खुलो, तुम एक्सपेंड हो, तुम्हारा विकास हो, तुम फैलो, उसका बड़ा महत्व है। और तुम फैलते हो जब तो बहुत कुछ घटता है, बहुत कुछ घटता है और उससे और बहुत सारी बातें होती हैं। ध्यान करने वाला अगर सीधा ध्यान करता है, उसके भीतर जो भी बुराइयां हैं वो पनपने लगती हैं। ध्यान में क्या होता है, अगर तुम सीधे ध्यान करने लगो, शांत बैठने लगो, तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा, मन टिकने लगेगा, मन में शक्तियां आ जाएंगी, तुम्हारी विल पावर बढ़ जाएगी, तो विल पावर बढ़ जाएगी तो जो भी तुम सोचोगे वो होने लगेगा। तो अगर भीतर गंदगी है तो वो गंदगी भी बढ़ जाएगी, अगर भीतर विचार अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छे विचार भी शक्ति पा लेंगे, वो अच्छे विचार घटित होने लगेंगे, तुम्हारा अपना नुकसान हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था कि एक ध्यानी कैसे बस में बैठा हुआ जा रहा है और वो सोचने लगता है कि कहीं ये बस का ड्राइवर
बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा है, लापरवाही से चला रहा है, कहीं ये एक्सीडेंट ना करा दे। वो सोचता है इधर उधर एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि 6 महीने हो गए ध्यान करते हुए, बड़ी लगन से ध्यान कर रहा है, लेकिन भीतर की सफाई नहीं हुई है, भीतर गंदगी है, विचारों में अभी भी नकारात्मकता है, अभी भी सोच लेता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा बच्चा है कहीं बीमार ना पड़ जाए, बाहर सर्दी में चला गया है, मिट्टी में खेल रहा है, खांसी ना हो जाए, वो बाहर का खाया है इसको बीमार ना हो जाए, तो वो बीमार हो जाता है। क्योंकि तुम्हारी विल पावर में ताकत आ गई, तुमने ध्यान में जा करके अपने मन को शक्ति दी है, मन तुम्हारा सक्रिय हो गया है, पूरे का पूरा मन अब साथ देने लगा है, तो तुम्हारे काम बनने लगे। लेकिन तुम्हारे काम बुरे भी बनेंगे, क्योंकि अगर बुरा सोचोगे तो बुरा भी बनेगा, अगर क्रोध है तो क्रोध बहुत बढ़ जाएगा, तुम ज्यादा क्रोधी हो जाओगे, अगर चोरी करने की आदत है तो बड़े चोर बन जाओगे। ये चोरों को जाके सबक मत बता देना कि ध्यान करो। तो उसमें तुम जो भी अपने भीतर बटोर करके रखे हो, जो भी दबा के रखा हुआ है, उसमें इजाफा होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि खाली करो, शून्य हो जाओ, तो वो सब तुम्हें मिलने लगता है। वमन करो, रेचन करो अपने भीतर का सारा, जितना भी ये पागलपन बाहर का है, वो तुम्हें भीतर के केंद्र से जोड़ेगा। ये जो पागलपन है, ये क्यों करते हैं? नाचते हो, कूदते हो, खांसते हो, हवा निकालते हो, डायनेमिक प्राणायाम करते हो, सक्रिय प्राणायाम करते हो, जोर जोर से बाहर हवा निकालते हो, ताकि चोट पहुंचे, कुंडली खुले, तुम्हारी ऊर्जा ऊपर आए और तुम्हारी अग्नि प्रज्वलित हो, और वो जलाए तुम्हारी सारी कूड़ा करकट को, वो साफ करे तुम्हारे भीतर का, और भीतर के रोग बाहर तिरोहित हों। और एक भावना देते हैं, एक सुझाव देते हैं, उस भावना से, उस सुझाव से तुम और प्रबल होने लगते हो, और अपने भीतर का रेचन होता है, वमन होता है वो सारा। ये भीतर की क्रियाएं बहुत जरूरी हैं, ये हो जाएंगी तो तुम्हारी आधी से ज्यादा बीमारियां चली गईं, मिट गईं, अपने आप खुलने लगेगा। जब शीशा ही साफ हो गया तो उस पर सब दिखाई देने लगेगा, उसके दर्शन नहीं होते। देखो, तुम किसी तालाब के पास चले जाते हो तो वहां का अगर पानी हिल रहा है तो तुम कुछ नहीं देख पाते, अपना चेहरा भी वहां दिखाई नहीं दे सकता तुम्हें। अगर वो पानी ठहरा हुआ है, थमा हुआ है, तो तुम देख पाते हो, लेकिन अगर वो पानी गदला है तो भी नहीं दिखाई देगा, पेंदा नहीं दिखाई देगा। हीरा नीचे है, हीरा जो है वो पड़ा हुआ है नीचे पेंदे पर, तल पर, उसकी था में है, और वो दिखाई कैसे दे सकता है? क्योंकि गंदगी है। वो गंदगी बैठ जाए, साफ हो जाए, नितर जाए, पानी शांत हो जाए, निस्तरंग हो जाए, तो वो तुम्हें सब दिखाई देने लगता है, तुम निर्मल हो जाते हो, तुम स्वच्छ हो जाते हो। ऐसे तो नहीं कबीर साहब ने कह दिया था ना कि कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरी फिरें कहत कबीर कबीर। निर्मलता अपने में इतना बड़ा गुण लिए हुए है कि परमात्मा तुम्हें ढूंढने चला आता है, परमात्मा ही आ जाता है। ढूंढना क्या है, परमात्मा तो विद्यमान है, वो पकड़ लेता है, बिन बुलाए आ जाता है, आया ही हुआ है। इधर तुम निर्मल हुए, उधर वो आके बैठ गया। अब तुम निकालने की कितनी कोशिश करो, वो नहीं निकलता, वो स्थापित हो जाता है। तो निर्मलता जो है, हर प्रकार की, शरीर की, विचारों की और भावनाओं की, सरलता, सहजता, साधुता, समता, जब तक नहीं उतरेगी तब तक कोई दर्शन नहीं, कोई आनंद नहीं, कुछ नहीं।